कौन कहता है तेरे दर पर मांगने वाला फकीर होता है, कौन कहता है तेरे दर पर मांगने वाला फकीर होता है, जो तेरे दर पर पहुंच जाए, जो तेरे दर पर पहुंच जाए, साईं वो बड़ा ही खुश नसीब होता है, वो बड़ा ही खुश नसीब होता है, जो खोया है उससे भी बेहतर पाएगा, जो खोया है उससे भी बेहतर पाएगा, सब रख ए साईं बंदे, तेरा भी दिन आएगा, तेरा भी दिन आएगा। साईं आपके प्यार और आशीर्वाद से ही जीवन के हर संघर्ष के बाद हर्ष मिलता है। गुरुवार की भांति यहाँ पर कुछ न कुछ चमत्कार साईं क्या होते रहते हैं, और देख सकते हैं कि यह भी जा रहा है बाबा के पास। तो आइए जानते हैं इस चमत्कार के विषय पर। जो अभी चमत्कार बाबा का, मैं यहाँ पर विश्राम कर रहा था और मैंने देखा कि बाबा के ये रूम है, साटे वाला रूम है, और अचानक से मेरी नज़र पड़ी तो यहाँ पर एक सांप आ चुका है और जो कि बाबा के दरबार के अंदर आ रहा है। तो हम इसे कोशिश करते हैं बाहर निकालने की, और ये बाबा का दरबार है। इस तरह यहाँ कुछ ना कुछ चमत्कार होते रहता है, आप देख सकते हैं। और आज पुनः जैसे उस बार हमने आपको दिखाया था कि एक जीव आ चुका था अंदर, और आज गुरुवार है तो पुनः ये दरबार में चमत्कार है। ये विराजित है शिरडी के साईं बाबा। तो एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ओम साईं राम कहेंगे, क्योंकि सभी बाबा के बंदे हैं और बाबा के दरबार में आते रहते हैं और बाबा का चमत्कार होते रहता है। तो आप सभी देख रहे हैं साईं के दरबार में ये अनोखा चमत्कार, हर गुरुवार की भांति इस गुरुवार को भी, और बाबा के दर्शन को आया है यह अनोखा जीव। और देख सकते हैं किस तरह ये ऊंचा उठ रहा है और जा रहा है बाबा के पास, और ये बहुत ही अनोखा दरबार। और हर गुरुवार की भांति यहाँ पर कुछ ना कुछ चमत्कार साईं क्या होते रहते हैं। और देख सकते हैं कि यह भी जा रहा है बाबा के पास। तो आइए जानते हैं इस चमत्कार के विषय पर क्या कहना चाहेंगे बाबा के दरबार के मुख्य पुजारी। और देखिए कैसे ये बाबा के दरबार में जा रहा है, और बाबा की गद्दी जहाँ पर बैठे हुए साईं बाबा, वहाँ पर ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और हर गुरुवार की भांति बाबा के दरबार में यह अनोखा चमत्कार, और साक्षात साईं बाबा आए हैं। कौन छुएगा उसकी परछाई, जिसको बचाने वाला साईं। तो क्या कहना चाहेंगे आप आज के बाबा के दरबार में जो यह अनोखा जीव, पिछली बार भी एक बिच्छू आया था और लास्ट वीक देखे थे एक अलग जीव आया था। तो इस तरह हर बार यहाँ कुछ ना कुछ जीव आते रहते हैं। यहाँ विगत 30-40 साल से हम जब भी पूजा करते हैं तो यहाँ पर साक्षात नाग देवता भी आके यहाँ पर बैठ जाते हैं और बिल्कुल अपने पूर्ण रूप में बैठ जाते हैं। यहाँ पर बाबा की आत्मा आती है और बाबा यहाँ पर हर भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। यहाँ पर प्राचीन पद्धति के अनुसार पर साईं बाबा पर नरियल मनोकामना चढ़ाया जाता है। आप भी अगर कोई संकट कष्ट हो तो जरूर हमें आप मौका दीजिए, ताकि आपकी मनोकामनाएं श्री साईं बाबा पूरी करें। आज गुरुवार है, साईं बाबा का वार है, और आज साईं बाबा इस रूप में यहाँ पर आए हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसे लाल बटन को जरूर दबाइए। बोलो साईनाथ महाराज की जय। और ये बाबा का दरबार है, आज गुरुवार है, और जा चुका है ये अपने राह में, इसे हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और शांति से इसे बाहर निकाल देते हैं। आगे है साईं बाबा का समाधि मंदिर और ये जा चुका है। तो बोलिए साईनाथ महाराज की जय। तो ये गुरु स्थान है बाबा का, और देख सकते हैं ये बाबा के गुरु स्थान में आकर बैठ चुका है। तो ये यहाँ पर देखिए बैठा हुआ है शांति से, किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, और हमें भी किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया। आज गुरुवार के उपलक्ष पर ये बाबा के दरबार में आया और बाबा के दर्शन पाया। तो आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि तो कौन छुएगा उसकी परछाई, जिसको बचाने वाला शिरडी का साईं। चलिए अब इसी बीच आप लोग को बाबा के भी दर्शन करा देते हैं, और ये जाने की कोशिश कर रहा है, और इसे शांति से आगे निकाल देते हैं ताकि इसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। गुस्से आ गया है इसको, क्योंकि और देख सकते हैं यहाँ तक आ चुका है, और यहाँ से ये चला जाएगा।
तो चलिए अब हम आपको बाबा के दरबार से बाबा के दर्शन करा देते हैं। तो यहाँ पर विराजित हैं शिरडी वाले साई बाबा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के दर्शन कर लीजिए, आज बाबा का फ्री वार है, दिन गुरुवार है। ये बाबा के चरण पादुका और बाबा की समाधि। ये बैठे हुए शिरडी के साईं बाबा। 1972 से बाबा का दरबार स्थापित है। जो भक्त बाबा के दरबार में आता है, बाबा उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। सब भक्त बाबा के दर्शन को आ रहे हैं। बाबा के द्वारका माई के अंदर ले जा रहे हैं आपको। अरे बाबा की द्वारका माई, जहाँ बाबा ने अपना पूरा जीवन गुजारा था, और यहीं पर बाबा की वो अखंड धुनि, अखंड ज्योत प्रज्वलित है। सर्वप्रथम कर लें दर्शन साईनाथ महाराज के, क्योंकि बाबा के वार पर हुए हैं साईं के दर्शन। और ये बाबा की अखंड धुनि, अखंड ज्योत, बाबा की चक्की, और ये है बाबा की वह अखंड धुनि जिसमें बाबा भक्तों के कष्टों को जला के खत्म करते हैं। तो आओ मिलकर करें अरदास साईं के पास, करें इनके पास साईनाथ आज। ये बैठे हुए हैं साईं बाबा सीधा पत्थर पर, और आपने देखा कि किस तरह बाबा ने अपने भक्त की रक्षा की। और ये है पीछे का एरिया बाबा के लेडीबाग उद्यान का। बाबा हमेशा इस तरह का चमत्कार दिखाते रहते हैं, और हम वहाँ पर बताएं आपको पूजा करने के बाद उठे ही थे, और उठकर जैसे ही हमने कदम रखा, हमारे कदमों के नीचे वह स्नेक आ गया। लेकिन बाबा ने न हमें नुकसान पहुँचाया, ना उसे नुकसान पहुँचाया, दोनों को अपने अपने राह में अपनी अपनी मंजिल पर पहुँचाया, और बाबा ने रक्षा की। तो आपको कैसा लगा बाबा का ये दिव्य दर्शन चमत्कारों का, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही बाबा के दरबार के लिए आप सभी को बताया जा चुका पहले भी कि बाबा की जल रही है ये अखंड ज्योत। अगर आपकी भी कोई मनोकामना, कोई अरदास साईं बाबा के पास अगर आप लगाना चाहते हैं, तो आप सभी एक माह की लकड़ी, एक माह का तेल बाबा के अखंड ध्वनि, अखंड ज्योत के लिए प्रेषित कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, तो आप सभी इस अखंड ध्वनि में एक दिन की लकड़ी जरूर जलाएँ, ताकि बाबा आपके कष्टों को जला के खत्म करें। बाबा बहुत ही दयालु हैं, और कहते हैं बाबा जो चिन्ह शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की जो सीढ़ी, पैर तले वो दुख की पीढ़ी, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी यार, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण ना खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आशा है ता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है, मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे नाम ने। तो ये बाबा के 11 वचन बाबा को जरूर सुनाएं, बाबा आपके सारे संकट और कष्ट को खत्म करें, यही आश बाबा के पास हम लगा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें, और आप सभी भी इस दरबार के लिए, इस मंदिर के लिए आगे आएँ, ताकि 1972 से जो बाबा की सेवा हम कर रहे हैं, गुरुवार भोजन सेवा करा रहे हैं, आप भक्तों के सहयोग से ये निरंतर जारी रहे, और हर वर्ष इस सेवा में निरंतर दिनों दिन बढ़ोतरी वृद्धि होती रहे। तो चलिए अब नीम वृक्ष गुरु स्थान के थोड़ा दर्शन कर लेते हैं, और आप इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। रात्रि सीन है, और यह है नीम वृक्ष गुरु स्थान। दिन का भी आपको हमने कई बार दिखाया है, तो दर्शन तो कर लीजिए बाबा के, क्योंकि साईं गुरु बैठे हुए हैं, और जो भी परेशानी होगी आपकी बाबा दूर करेंगे। तो आप सब पे साईं की कृपा बनी रहे। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप आज ही चैनल को फॉलो करें, पेज को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। ओम साईं राम।